पाणिनि पंचतंत्र पी ओरिजिनली रिटन बाय विष्णु शर्मा क्रॉप डायवर्सिफिकेशन इंडेक्स है तेलंगाना फर्स्ट स्टेट है जहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज इज लोकेटेड इन देहरादून म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर इज सिचुएटेड इन दुबई सो दीज आर फाइव क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबुलरी है आज के सवाल हैं विच स्टेट ओन्स द जी आई टैग फॉर द मैंगो वेराइटीज लाइक फजली खीरसपति लक्ष्मण भोग ये तीन वेराइटी है मैंगो की इनको जी आई टैग मिला है उस राज्य का नाम क्या है नामेरी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द शिवालिक फॉसल पार्क लोकेटेड वॉट इज परम गंगा परम गंगा क्या है विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली ये सवाल हैं आज आज के लिए। आज की वोकैबलरी है फ्रेट फ्रेट का मतलब होता है माल ढुलाई, परिवहन गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन बल्क बाय ट्रक ट्रेन शिप और एयरक्राफ्ट देन ट्रांसमोग्रीफाई का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म इन अ सरप्राइजिंग और मैजिकल मैनर परिणत हो जाना रीडिजाइन होना ट्रांसफिगर होना ट्रांसफॉर्म होना जेटिसन का मतलब होता है बोझ गिराना थ्रोन और ड्रॉप फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट और शिप डिस्पोजल, डंपिंग, ग्रिजली ग्रिजली, ग्रिजली बियर होता है कॉजिंग हॉरर और डिस्गस्ट ग्रूजम घेस्टली फ्राइटफुल सेरेनिटी का मतलब होता है शांति द स्टेट ऑफ बींग काम पीसफुल एंड अनट्रबल्ड कामनेस ट्रेंक्यूलिटी पीसफुलनेस सो so, ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो लैंग्वेज प्रोफिशियंसी बहुत जरूरी है बिना लैंग्वेज प्रोफिशियंसी के ये एग्जाम क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट है सो वर्क ऑन योर लैंग्वेज एवरी डे मीनस एवरीडे सो आज हम ये दो टॉपिक्स देखते हैं ये जो दोनों टॉपिक्स है ना इस पे बेस्ड अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हैं आज के तो पहले हम इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं देन फिर वन बाय वन हम जो क्वेश्चन सबमिशन है उसको भी देखेंगे जो इंडस सिस्टम है ये हम द एन सी आर टी बुक से कवर करेंगे क्लास इलेवेंथ की ओके okay? सबसे पहला जो सवाल था वो था व्हाट इज द बेसिक डॉक्ट स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम जैसे इंडिविजुअल भी होते हैं हमारा एक बेसिक नेचर होता है एक बेसिक स्वभाव होता है ऐसा ही एक स्वभाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी है बेसिक नेचर है वो उसका और वो चेंज नहीं होना चाहिए बिकॉज यू नो कॉन्स्टिट्यूशन बना बट उसमें आर्टिकल 368 भी था आर्टिकल 368 ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफिकेशन पॉसिबल है अमेंडमेंट पॉसिबल है बट दैट डज दैट डज इट मीन कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर ही चेंज कर दें वही अमेंडमेंट हो जाए तो कोर्ट ने बाद में देखा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए जो बेसिक एथोज हैं बेसिक वैल्यूज़ हैं बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमें प्रिजर्व रखना ज़रूरी है और इससे फिर ग्रेजुअली ये डॉक्ट्राइन बना जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कल कल मैंने प्रलिम्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे शेयर किए हैं वो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया है ये है एक तो जैसे इकोनॉमिक्स का है इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है इकॉनमी नेशनल इनकम ग्रोथ डेवलपमेंट मनी बैंकिंग ये वर्जन वन है इसमें और अपडेट्स में करूंगा एक्स्ट्रा टॉपिक्स एंड स्कीम्स ये सारी चीज़ें अपन कंसोलिडेटेड एक जगह पे रखेंगे ताकि एग्ज़ाम के पास आते वक्त हमारे पास एक चेकलिस्ट भी होगा कि ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए तो इस तरीके से इसको बैक्ट बाय सम कंसाइज नोट्स प्रिपेयर करेंगे इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसी में जो टर्मिनोलॉजीज जो मैं इतने टाइम से आपको बोलता आ रहा हूँ वो भी हम इसी में इंक्लूड कर लेंगे देन ये एक थीम्स है जैसे हर सब्जेक्ट का मैं ऐसे कुछ थीम्स अभी शेयर करता हूँ कि प्रोबेबल क्वेश्चन किस डायरेक्शन में ज्यादा आ रहे हैं किन एरिया से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं क्या अप्रोच हो रहा है तो जैसे ये पॉलिटिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट फीचर्स प्रियम्बल यूनियन सिटीजनशिप तो है लुक ये लिस्ट मैंने अभी टेलीग्राम पे शेयर किया है वहां से आप इसका एक्सेस ले सकते हो गवर्नेंस एंड ऑल ओके अमेंडमेंट एंड मिसलेनियस सिमिलरली हम सारे सब्जेक्ट्स का ऐसा कंसाइज बनाने वाले अब जैसे पॉलिटी में ही हमने देखा जो कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी मैं पॉलिटी का इससे सवाल आते हैं लास्ट ईयर भी आया था द पावर टू अमेंड सी अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज विद इन देयर जुरिस्डिक्शन वो अपने नियम बना सकती है पार्लियामेंट भी बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है अपने जुरिस्डिक्शन के विद इन द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली विद द पार्लियामेंट एंड नॉट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि राज्य सरकार अमेंडमेंट नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन में बट वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कानून बना सकती है However, this power of the parliament is not absolute. But ये जो parliament है लोकसभा विधानसभा उसकी power भी amendment की absolute नहीं है Absolute मतलब ऐसा नहीं है कि हम Britain की parliament है कि वो कुछ भी कर सकता है Indian parliament के ऊपर certain restrictions है Supreme Court has the power to declare any law that it finds unconstitutional void. ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टर के अलग होता है अगेंस्ट होता है कोई अमेंडमेंट तो उसको बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को वो चेंज uh, कर रहा है ऑल्टर कर रहा है दैट इज वो हो जाएगा अल्ट्रा वायर जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर बोलता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए नाइनटी नाइन्थ एनजे आया जिसने सेपरेशन ऑफ पावर मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव का से होने लग गया सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायर किया और नाइनटी पे ही आउट कर दिया ज वॉट दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइंग इज जुडिशियल रिव्यू सो वॉट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइंग क्या है ऐसा कुछ मैंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये जो आइडिया है ये ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम मैनी केसेस इन सारे केसेस का लिस्ट आगे देखते हैं आइडिया ये है कि जो फंडामेंटल स्वभाव है वो नहीं बदलना चाहिए वो सेम रहना चाहिए उसका अपन मॉडिफिकेशन करें एज एन वेन रिक्वायर्ड जैसे स्टूडेंट्स भी फीडबैक मांगते हैं आंसर राइटिंग में भी जो फीडबैक होता है ना आई नेवर नेवर इंटेंड कि आप अपना ओरिजिनलिटी चेंज करो हम जो अभी स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं गूगल मीट सीरीज में स्टूडेंट्स एवरी डे वी आर टॉकिंग हम ये बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आप अपने आप को बदलो बस आप थोड़ा सा मॉडिफाई करो टिंकर करो ताकि आपकी बेसिक ओरिजिनलिटी वही रहे आपने जो बुक्स पढ़ा है रिसोर्सेज नोट्स जो भी पढ़ा है वी आर ट्राइंग टू रिवाइज दैट ओनली इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर न्यूअर रिसोर्सेज सो द आइडिया इज ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व करना जरूरी होता है स्टूडेंट्स में भी आइडिया इज टू प्रिजर्व द नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड प्रोटेक्ट द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे ही कुछ है तभी इसे लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट स्पिरिट जो है वो प्रिजर्व करना जरूरी है ओरिजिनलिटी अब ये केशवानंद भारती केस आता है ये लाइमलाइट में आता है ये जो केस होता है इसने बोला बेसिक स्ट्रक्चर कुड नॉट बी एब्रोगेटेड इवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो ये एक फंडामेंटल केसवानंद भारती केस है जिस केस ने फिर आगे डायरेक्शन सेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का भी तो इस इन सारे केसेस का लिस्ट अभी अपन आगे अच्छे से देखते हैं ये जो केसवानंद भारती केस है ना इसका डेट भी बहुत स्पेशल है हमारा एक इंडियन प्लेयर है क्रिकेट प्लेयर और दिस केस क्या सिमिलैरिटी है टेल द प्रेजेंट पोजिशन जो है पार्लियामेंट में अंडर आर्टिकल 368 वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं होगा अब कोर्ट ने कहीं बेसिक स्ट्रक्चर तो बताया नहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस आए ना तो उसमें ये ऐसे पंद्रह बीस जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर माने गए ये इसका कंप्लीट लिस्ट है हम इसको केस बाय केस बेसिस पे देखते हैं जैसे केशवानंद भारती केस आया फंडामेंटल राइट्स का केस है इसने क्या बोला सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होना चाहिए इसीलिए नाइनटी नाइन्थ एनजे को आउट कर दिया रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनना चाहिए हम मोनार्की नहीं है हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक है हम हम सेक्युलर हैं कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर अस सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है फेडरल ऐसा नहीं कि यूनियन सेंटर सारे जो पावर्स हैं स्टेट के उसको ओवरकम कर ले ओवर राइड कर ले नो देर टू बी सेपरेशन ऑफ पावर फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुवर्निटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की है फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का है मैंडेट है टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट तभी डीपीएसपी पी एस पी की बातें होती है थर्टी नाइन बी सी वैक्सीनेशन सबको फ्री में क्यों लगा क्योंकि वेलफेयर स्टेट भी है हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पे हम बिलीव करते हैं तो ये जो नौ बातें हैं ये नौ बातें आई कहाँ से केसवानंद भारती केस से फिर एक इंदिरा इंदिरा नेहरू गांधी केस था पॉपुलरली नोन एज इलेक्शन केस यहाँ पे क्या बताया इंडिया एक सोवर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हमारे यहाँ इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल है रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ इसके हिसाब से बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेक्युलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड रिलीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है गवर्नमेंट ऑफ लॉज है नियम के हिसाब से काम काम चलता है पर्सन के हिसाब से नहीं हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है जुडिशियल रिव्यू है फ्री एंड फेयर इलेक्शन है election, तो ये सब चीजें कहाँ पे आई इंदिरा नेहरू गांधी 75 में बिकॉज यहाँ एक चेंज ये भी कर दिया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं ले पाएगी तो कोर्ट ने कहा नहीं जुडिशियल रिव्यू तो जरूरी है बिकॉज वी आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिर आता है मिन्रबा मिल्स केस नाइनटीन तो इसमें लिमिटेड पावर पार्लियामेंट की टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन किया ये नहीं कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ही पूरा बदल दे नहीं जुडिशियल रिव्यू होगा हारमोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी मतलब फंडामेंटल राइट भी इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी भी इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं कि दोनों लॉगर हेड पे है यूजली एफ आर को प्रायोरिटी मिलता है डीपीएसपी का बट कुछ डीपीएसपी ऐसे हैं जिनको प्रायोरिटी एफ आर पे दिया हुआ है आप उन डीपीएसपी के नाम बताओ सेंट्रल में हुआ तो इसमें बोला एक्सेस टू जस्टिस सबको होना चाहिए एक्सेस टू जस्टिस तभी हम जैसे नालसा और इनके इनिशियटिव देखते हैं लोक अदालत देखते हैं फ्री और अफोर्डेबल जस्टिस मिलना जरूरी है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जस्टिस हर इज जस्टिस बर देन भीम सिंह जी केस आया वेलफेयर स्टेट की बात किया सोशो इकोनॉमिक जस्टिस संपत कुमार केस आया जिसमें रूल ऑफ लॉ है डाइसी के तीन प्रिंसिपल होते हैं प्लेलिस्ट में किसका अच्छा वीडियो वॉच डाइसी प्रिंसिपल जुडिशियल रिव्यू भी है फिर इसके बाद रूल ऑफ लॉ जुडिशियल रिव्यू आया फिर पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल थर्टी टू वन थ्री सिक्स वन फोर वन फोर टू इन चारों आर्टिकल में बताइए क्या लिखा है थर्टी टू में क्या लिखा है टेल 136 में क्या लिखा है 141 में क्या लिखा है और 142 तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के कॉन्टेक्स में कोविड 19 के हिसाब से भी देखा था माइग्रेंट क्राइसिस में 142 क्या है आर्टिकल बताइए फिर इंदिरा साहब ने केस है रूल ऑफ लॉ मंडल केस में बताया फिर कुमार पद्म प्रसाद केस में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बताया तो जुडिशरी का जो खर्चा पेमेंट जो है ना सैलरी वगैरह वो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है आप बताइए चार्ज है वो वोटेड नहीं है चार्ज है फिर की हो तो होलोहन केस में डिफेक्शन केस आया फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए सुवर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्ट्रक्चर है रघुनाथ राव केस में इक्वालिटी आया इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की है जो देश है हमारा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जरूरी है बुम्बई केस इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी ये जरूरी है यूनिटी इंटीग्रिटी सोशल जस्टिस जस्टिस जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए फिर एल चंद्र कुमार केस आया टू टू सिक्स टू टू हाईकोर्ट की पावर इंदिरा साहब ने सेकेंड केस आया इक्वालिटी ऑल इंडिया जज एसोसिएशन केस आया इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम तो ये देखिए एक केस में नहीं डिसाइड हुआ कि वॉट इज बेसिक स्ट्रक्चर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली हम इस कॉन्सेप्ट आए हैं

थर्टी टू जिसको हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहिब ने बोला था पॉवर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल थर्टी टू क्या है नमित शर्मा केस है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल मद्रास बार एसोसिएशन में रिव्यू एंड की powers. तो ये जो पंद्रह बीस यहाँ पे दिख रहे हैं हमें और इसका ये कंसोलिडेटेड फॉर्म है ये चीज हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस से देखा कि दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब एक और सवाल था वो था अबाउट इंडस रिवर सिस्टम तो देखो यहाँ हम जो भी पढ़ रहे हैं ना मैं कोशिश यही कर रहा हूँ इवन रिवीजन सीरीज में कि जो स्टैंडर्ड बुक्स है वहीं से कंटेंट पिक करें सो so दैट आपको ऐसा नहीं लगे कि कोई नया कंटेंट हो रहा है आप उसी चीज़ को रिवाइज़ करो मल्टीपल टाइम ज़्यादा बेनिफिट होता है ये जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की जो एन की बुक है इसका वीडियो भी ज़रूर देखिएगा आज तक जो भी सवाल आया यू पी में सारे सवाल इस एक चैप्टर से बन गए इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है द रिवर सिस्टम ऑफ हिमालयन ड्रेनेज पढ़ा हमने तो देखो इंडस सिस्टम क्या है ऐसे बोल बोल के पढ़ना एनसीआर का सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो डायरेक्टली इलेवंथ की बुक स्टार्ट करते हैं फिर दे थिंक कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट तो समझ नहीं आया डिटेल में नहीं बताया अब नाइन्थ में देखो ना तभी तो सिस्टमेटिक पढ़ाया जाता है मैं नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ सो द इज दाइन्थ में हमने नाइन्थ की बात किया 10th में टेंथ का में 11, में दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी और इस तरीके से बोल के पढ़ना चाहिए आप लोग भी पढ़ सकते हैं आई नो बट इतने टाइम में किसी ने नहीं पढ़ा एंड आई नो आगे भी नहीं पढ़ोगे सो फॉर नाउ रीड इट वंस जस्ट लाइक दिस दिस विल हेल्प यू अलॉट इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिंग ऑफ द वर्ल्ड इससे क्या लैंग्वेज भी अच्छी होती है कॉन्सेंट्रेशन होता है आर सी में हेल्प मिलेगा मल्टीपल बेनिफिट होते हैं इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिंग ऑफ द वर्ल्ड कवरिंग एन एरिया ऑफ दिस इलेवन सिक्सटी फाइव थाउजेंड स्क्वा और लेंथ इसकी कितनी है एंडस की टू लैक एट्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड एट्टी किलोमीटर और इंडिया में कितनी है वन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टीन किलोमीटर अभी एक ए एस सी आर का सर्वे आया था रिपोर्ट में बताता है आजकल के बच्चे इतना ज़्यादा यूट्यूब कॉन्टेंट एट्रा देख रहे हैं बोलने में तो वो अच्छे हैं पर वो बोलना अभी फॉर्मल बोलना नहीं आता उन्हें एंड जो रीडिंग और अरेथमेटिक एबिलिटीज है वो बहुत पुअर हो गई है सो दैट इज वाई मैं इतना एम्फेसाइज करता हूँ ओल्ड स्कूल इज अ गुड स्कूल इसी तरीके से पढ़ना चाहिए टेबल चेयर पे बैठ के अंडरलाइन करके लिख लिख के बोल बोल के पढ़ो ये ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है ओके सो इंडस ऑल्सो नोन एज सिंधु वर्ड्स ना स्किप भी नहीं करने चाहिए इसको एक एक वर्ड को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो ये वेस्टर्न मोस्ट है हिमालयन रिवर इन दर्ड इन इंडिया तो देखो सिंधु है सिंधु वेस्टर्न इसी के बेसिस पे इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गई थी ये ओरिजिनेट होती है ग्लेशियर नियर बोखरचू ये इसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है तो इस ग्लेशियर से हो रही है तिब्बतन रीजन में एल्टीट्यूड ऑफ दिस मीटर इन कैलाश माउंटेन रेंज पे कैलाश माउंटेन रेंज में तिब्बत में इसको बोलते हैं सिंगी खम्बन सिंगी खम्बन मतलब लायंस माउंट एक एमसीक्यू बन जाएगा इससे आफ्टर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन लद्दाख एंड जस्कर रेंज लद्दाख और जस्कर के बीच से निकलती है लद्दाख और जस्कर इट पासेस थ्रू लद्दाख एंड बाल्टिस्तान अक्रॉस द लद्दाख रेंज फॉर्म करती है स्पेक्टेकुलर गॉर्ज रिवर्स की स्टेजेस होती है यूथफुल ओल्ड से गिलगित जम्मू एंड कश्मीर में फिर पाकिस्तान में चिलास के पास दर्दिस्तान रीजन में ये एंटर करती है तो ये अब आ रही है हिमालय वगैरह से निकल के दिस प्लेन में आ रही है तो चिलास इन दार्दिस्तान रीजन पाकिस्तान में जा रही है इस रीजन में अभी भी हिमालय में ही है अब इस एरिया को बोलते हैं ये दार्दिस्तान एरिया तो देखो इस एक पैराग्राफ में कितना सारा कंटेंट है और इससे कितने एमसीक्यू बन सकते हैं एनसीईआरटी बहुत कंसाइज है और कंटेंट रिच है दैट इज व्हाई दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी मल्टीपल टाइम्स पढ़ो आप इसे इंडस रिसीव करती है हिमालयन ट्रिब्यूटरी इससे सवाल आया शो काती है, है गिलगित में जसकर हुंजा नुब्रा शिगार गास्तिंग वदरास फाइनली ये मर्ज करती है हिल एरिया नियर एटॉक जहां पे रिसीव होती है काबुल रिवर राइट बैंक में बैंक्स भी पता है रिवर ऐसे जा रही है इधर से आया तो राइट right बैंक इधर से आया तो लेफ्ट बैंक अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जॉइनिंग द राइट बैंक कौन सी है जैसे कि खुर्रम तोची गोमल विबोवा संगर तो ये क्या हुई राइट right बैंक हुई दे ऑल ओरिजिनेट इन सुलेमान रेंजिस रिवर फ्लो होती है साउथवर्ड पंजनाद में पंजनाद में कहां पर मिथानकोट के पास पंजनाद इज द नेम गिवन टू फाइव रिवर और इसी से पंजाब बना फाइव रिवर से पंजाब बना सतलज ब्यास रावी एंड फाइनली ये डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी में कहां पर कराची पे फिर इंडस फ्लो इन रिवर ओनली थ्रू जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया अब इसकी ट्राइब्यूटरीज देखते हैं झेलम इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है इंडस की कहाँ से निकलती है ये स्प्रिंग एट वेरी नाग सिचुएटेड एट द फुट ऑफ पीर पंजाल वेरी नाग पीर पंजाल साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वैली ऑफ कश्मीर वैली ऑफ कश्मीर किन दोनों माउंटेन सीरीज के बीच में है आंसर वैली है इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वुलर लेक बिफोर एंटरिंग थ्रू अ डीप नैरो गॉर्ज और चेनाब नियर जंग इन पाकिस्तान में आती है तो ये क्या हुई ये झेलम रिवर हुई वैरीनाग से निकली पीर पंजाल गॉर्ज बनाया वुलर लेक बनाया ये मियंडर भी करेगी और जंग इन पाकिस्तान में इधर इंडस में मिल जाएगी तो मेन रिवर इंडस है और ये सारी रिवर्स उसमें ट्रिब्यूट देंगे चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस ये दो स्ट्रीम से बनती है चंद्रा और भगा ये तांडी में मिलती है केलोंग इन हिमाचल प्रदेश तो तब ये बनती है चंद्र 1180 किलोमीटर की है और ये भी पाकिस्तान जाती है रावी दूसरी रिवर है जो ट्रिब्यूटरी है इंडस की ये रोहतांग पास से बनती है रोहतांग का मीनिंग क्या है बहुत बार पढ़ा है अपन ने रोहतांग पास कुल्लू हिल ऑफ हिमाचल प्रदेश में चंबा वैली में पाकिस्तान में जाती है चेनाब नियर सराई सिंधु लार्ज एरिया ड्रेन करती है पीर पंजाल इन धौलाधर रेंज का सो व्हाट इज दिस रावी रिवर ब्यास रिवर इज अनादर इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस ये ओरिजिन होती है ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास फोर थाउजेंड मीटर तो दिस इज ब्यास रिवर फिर रिवर फ्लो करती है कुल्लू वैली वैली में गॉर्ज बनाती है काटी और लरगी में और धौलाधर रेंज में यहाँ पे ड्रेन करती है और फिर ये मीट करती है सतलज को हरिक्के पे हरिक्के बैराज बनेगा हमने रामसर साइड भी पढ़ा है सतलज नियर हरिक्के फिर सतलज कहाँ बनती है ये आती है रक्सा स्टाल में ये मानसरोवर में है मानसरोवर से और भी दो रिवर्स निकल रही है टेल टोटल तीन रिवर्स निकल रही है इसके आसपास वाले एरिया से नाम बताइए तो ये तिब्बत में होती है तिब्बत में इसका नाम होता है लॉन्गचैन खम्बा पैरल चलती है इंडस के चार किलोमीटर इंडिया में एंटर करती है रूपर पे शिपकीला शिप किला ऑन द हिमालयन रेंजेस से पास होती है पंजाब जाती है ये एक एंटीसीडेंट रिवर है एंटीसीडेंट का भी मीनिंग बताइए आज बहुत सारे सवाल है एंटीसीडेंट का भी बताइए सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी क्योंकि ये भाखरा नांगल प्रोजेक्ट में वाटर डिलीवर कर रही है तो देखो हमने इतने शॉर्ट टाइम पे सब पढ़ लिया सवाल इसके बाहर नहीं जाएगा इंडस सिस्टम ओके तो दैट इज वाई मैं आपको इतना बोल रहा हूँ इलेवेंथ और इलेवंथ और ट्वेल्थ की जो एनसीआर है इसको बहुत अच्छे से आप देखो अब अपन क्विकली आंसर राइटिंग देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम बेसिक स्ट्रक्चर तो अपन ने गंगा पढ़ लिया आज अपन इंडस पढ़ लेते हैं कल परसों ब्रह्मपुत्र देखेंगे फिर सेंट्रल इंडिया और पेनसुलर इंडिया बस रिवर सिस्टम कंफर्म हो जाएगा हमारे एटलीस्ट पक्का पांच से छ नंबर पक्का यहाँ से ओके सो लेटेस्ट बिगिन दिस डिस्कशन ओके सो सॉर्ट इट बाय ओलस्ट सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट सो ये सारे सबमिशन है फर्स्ट आंसर है रत्नाप्रिया आप जैसे यहाँ पे ज्वाइन द डिस्कशन में जाते हैं यहाँ पे आप यहाँ फोटोग्राफ्स अपलोड करेंगे ऐसे है ना अपनी फोटो लाइब्रेरी से फोटोज यहाँ पे अपलोड करेंगे तो फोटोज सब यहाँ वन बाय वन आपको दिखने लग जाएंगे इस बॉक्स में उसको ड्रैग करके आप अरेंज कर सकते हो वन टू थ्री तो जैसे आप ये थर्ड नंबर पेज आप पहले फर्स्ट पे रख सकते हो ऐसे ड्रैग हो जाता है यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर तो थर्ड पहले रखो फिर सेकेंड वन इससे क्या ऑर्डर जाएगा ये तो दिस इज रत्ना ये जैसे फर्स्ट पेज है इंडस रिवर सिस्टम बताया दिस इज रियली नाइस फिर रिवर बताया राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तो हमको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना था और उसी को यहाँ पे लिख देना था बिकॉज देखो सुनते हैं थोड़ा याद होता है पढ़ते हैं और याद होता है जब उसको लिख लेते हैं तो वो अच्छे से याद हो जाता है और एक बार और रिवाइज कर देंगे तब तो वो परफेक्ट हो जाएगा सो दिस शुड बी द अप्रोच सेकेंड बेसिक स्ट्रक्चर था ये भी अभी हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है आपने बहुत अच्छे से लिखा है आप बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो इसी तरीके से लिखो देखो आपकी राइटिंग भी अच्छी हो रही है और शॉर्टकट्स है नहीं इसमें आप थोड़ा वन मंथ कंटिन्यू करो आपको फायदे नजर आएंगे ओवरऑल स्टडीज में काफी बेनिफिट होगा ओके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और फिर आप अपने पेजेस पलटा के भी देखो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि वाओ इतनी सारी पढ़ाई की है मैंने इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सो दिस विल हेल्प यू अलॉन कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर बताया क्रिटिसिज्म वेरी नाइस दिस इज रियली गुड वेरी गुड क्रिटिसिज्म ऑफ दिस इज डॉक्टर आंसर इसी तरीके से होलिस्टिक होना चाहिए स्नेहल दिस डायग्राम इज सो नाइस आपने सारी रिवर्स और ट्राइब्यूटरीज बहुत अच्छे से बताया दिस इज गुड सो दिस इज रियली नाइस एंड इंडस क्या है मेजर ट्राइब्यूटरीज क्या है एनसीआर में बहुत अच्छा कॉन्टेंट है वही बस हमें अच्छे से लिख देना था देन केशवानंद भारती केस भी आपने बताया दिस इज गुड थर्टीन नाउ सी दिस अप्रोच इज गुड आर्टिकल थर्टीन केशवानंद तो कॉन्टेंट वही होता है बट स्टूडेंट उसमें अपना अंडरस्टैंडिंग लगाता है और फिर उससे यूनिक बन जाता है वो आंसर आकांक्षा आप बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हो मैप वर्क भी कितना अच्छा है आपका पश्चिमी नदी तंत्र सी दिस इज रियली गुड तो आपका हिंदी का राइटिंग भी बहुत अच्छा हो रहा है साफ हो रहा है कंटेंट भी आपका एनरिचमेंट हो रहा है दिस इज रियली गुड हम दो तीन महीने पहले वाली आपकी कॉपी देखो और आज की कॉपी देखो आपको फर्क नजर आएगा सो so, इसी तरीके से आगे बढ़ना है इसको रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है फंडामेंटल्स पे ज्यादा ध्यान देना है बिकॉज सेलेक्शन तो फंडामेंटल्स के बेसिस पे ही होता है ओके सो दिस इज गुड ये रिवर पूरा चैप्टर आज बहुत अच्छे से आप पढ़ लेगा अब ये जो चीज है ये लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया है तो आपने पूरा अच्छे से बुक पढ़ा इसको पूरा समराइज किया एक्सेलेंट, सी मूल संरचना के तत्व वेरी गुड काजोल सी दिस कॉपी इज अगेन सो गुड नीट एंड क्लीन होती है मार्जिन में भी कुछ नहीं लिखा है सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज है दिस वी शुड ऑल लर्न सो दिस इज गुड ट्राइब्यूटरी बताया झेलम चेनाब रावी सतलज ब्यास इंडस वाटर ट्रीटी अभी एडिशनल पॉइंट्स बता दिए दिस इज रियली नाइस कि अभी ये काफी न्यूज में भी है कमीशन जो है इंडस वाटर ट्रीटी का कि कौन सी अपन को? पाकिस्तान को एक्सक्लूसिव है कौन सी रिवर्स इंडिया में है डिफिकल्टी क्या हो रही है लाइक दैट दिस इज रिया अगेन सो नाइस आपका कॉपी में भी डे बाय डे बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट हैं कॉन्टेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है और नॉलेज भी जिस तरीके से बढ़ेगा ना आप में उतना ही रिफाइनमेंट आएगा प्रिसाइजनेस आएगी गुड और एक डिसिप्लिन बन रहा है आप अभी मेंस लिखने जाओगे ना आपको देखना लिखने में डिफिकल्टी भी नहीं आएगी वरना ज्यादातर स्टूडेंट्स तो आता बहुत कुछ है बट वो लिख ही नहीं पाते और अगर लिख ही नहीं पाएंगे तो इट्स ऑफ नो यूज आपको कितना कुछ आता है सो दिस इज इंपॉर्टेंट माइनरी ट्रिब्यूटरीज ट्रिब्यूटरी शो वेरी गुड देन दिस इज रियली नाइस अब जैसे 370 के बाद आपने ये बताया अब इसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट है वो है इंडस दिस वॉटर ट्रीटी ओके देन सेकेंड है दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा टॉपिक लास्ट ईयर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था इससे इस साल भी कुछ ना कुछ आएगा इससे दिस इज दैट इंपॉर्टेंट देन अदिति दिस इज रियली गुड बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सी आपने पूरा इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया है ना सी कॉन्टेंट वही होता है बट स्टूडेंट का अपना ब्रेन लग जाता है वहाँ पे और वो चीज उसको एक्सक्लूसिव बनाती है प्लस वो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही लिखने में आएगा वो जल्दी जल्दी पेपर लिखेगा वरना इस बार भी मैं इतना समझाया था सबको मेंस एग्जामिनेशन में लिखो लिखो बहुत सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं दस बारह पंद्रह सवाल लिख रहे हैं वो मुश्किल से तो डिफिकल्टी तो होगी ना लिखना बहुत ज़रूरी है आपकी राइटिंग होगी प्रैक्टिस होगी दिस इज इम्पॉर्टेंट देन अदिति दिस इज अगेन सो नाइस आपने डायग्राम वर्क भी देखिए कितना अच्छा हो गया है दिस इज़ वेरी गुड यू आर ऑन द राइट ट्रैक इसी तरीके से खूब अच्छे से मेहनत से पढ़ना है धनाक्षी आप भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हो दिस इज इंडिया इंडस सी द स्टाइल इंडिया इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें है ना अप्रोच ये यूनिकनेस आती है गुड डायरेक्शन बताया लेंथ अब अगेन वेरी गुड पूरा इंडस सिस्टम बताया सोर्सेज ये रिविजन भी हो गए ऐसे पैश टैग लगाने के बजाय ना नंबर लिख देते हैं वन टू थ्री फोर वो ज्यादा ज्यादा ऑर्गेनाइज लगेगा रिवर सिस्टम हुआ वेरी गुड मेजर ट्राइब्यूटरीज हुआ गुड फिर ये इंडस रिवर सिस्टम एक स्टूडेंट है अभी मेंस लिखा तो उसको मतलब व्हाट्सएप में जैसे लिखते है ना तो वहां स्माइलीज ढूंढ रहा है या फिर वो शॉर्टकट यूज कर रहा है एब्रीवियशन ऑटो करेक्ट क्यों नहीं हो रहा लाइक like दैट ऐसा डिफिकल्टी हुआ है क्योंकि हम लिख नहीं रहे हैं इसलिए आपको लिखना बहुत जरूरी है इंडस रिवर सिस्टम है दिस इज इंडस रिवर सिस्टम हिमालयन रिवर सिस्टम सी दट डायग्राम मैप आपका बहुत अच्छा है डायग्राम वर्क इज रियली गुड मेजर रिवर्स तो सी अपन ने गंगा भी बना लिया इंडस भी बना लिया बस दो या तीन क्लास में अपना पूरा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा ये इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है इतना स्पीड से सिलेबस कंप्लीट हो रहा है बस मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी वो तो एनी anyway वे करनी ही पड़ेगी बिकॉज सलेक्शन तो अपने दम पे ही होता है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी प्रियंका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सी दिस इज सो नाइस थ्री सिक्स एट वगैरह अपने पूरा डिटेल में टॉपिक पढ़ा ट्वेंटी फोर्थ सी ए सेवेंटी फाइव फोर्टी सेकेंड मिनरवा मिल्स वेरी नाइस nice. और ये पॉइंट फिर रिवॉल्यूशन भी बताया अपन ने तो अपन ने लक्ष्मीकांत बुक भी रिवाइज कर ली अपन बताए फिफ्टी परसेंट से ज्यादा बुक रिवाइज कर चुके हैं इन पास टू टू थ्री मंथ्स ओनली दिस इज सो एफिशिएंट वेरी नाइस बेसिक स्ट्रक्चर अगेन हैंडराइटिंग प्रेजेंटेशन अप्रोच एवरीथिंग इज फैंटेस्टिक्स अच्छे से निकालो मेन्स आपके लिए के केक वॉक होने वाला है दिस इज रियली गुड ज अगेन सो गुड रिवर्स टोटल डायग्राम आज का कितना अच्छा है दिस डायमेंशन हमें ये पार्ट जो है ना फुल लेंथ जो डायग्राम बनाते हैं इंडिया का उसका थोड़ा प्रैक्टिस करना है इंडिया का डायग्राम और वर्ल्ड का डायग्राम ये बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए सो दिस इज गुड अपने सारे रिवर्स बताए अब सीधा अप्रोच इससे क्या होगा आप कम समय में ज्यादा चीजें लिख पाओगे डायग्राम्स फ्लो चार्ट एक्सेट्रा गुड शुभम अब बहुत अच्छे से काम कर रहे हो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इससे लास्ट ईयर भी सवाल आया था इस बार भी सवाल आएगा एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इंपॉर्टेंट केसेस है लक्ष्मीकांत स्टैंड अलोन बहुत अच्छा रिसोर्स है मल्टीपल टाइम्स रिवाइज दिस इज अगेन सो नाइस सारी रिवर्स एनसीआर का रिसोर्स मल्टीपल टाइम्स और इसमें इंडस वाटर ट्रीटी भी एड करना है आशा दिस इज अगेन सो गुड हमें लक्ष्मीकांत का कॉन्टेंट यहाँ पे रेफर कर सकते थे दिस इज रियली रियली गुड कॉन्क्लूशन तो शुरू में ये आप लोग मत देखो कि कितना शॉर्टकट से जल्दी सवाल बन रहा है आप पहले क्वालिटी आंसर देखो जिससे आप खुद आपको लगे कि वाओ दिस इज अ वेरी गुड आंसर दिस इज द बेस्ट आई कुड डू फिर वही क्वालिटी आंसर डेली करो थोड़े टाइम पे देखना एफिशिएंसी आएगी स्पीड आएगा बट शुरुआत में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए इंडस रिवर सिस्टम सी दिस इज सो नाइस अब जैसे डिफरेंट कलर से बताया आपकी कॉपी बहुत अच्छी होती है आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे मेन एग्जामिनेशन में

और फर्स्ट शॉट में ही अभी आप देखना एग्जाम लिखोगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा बट हमें थोड़ा एक पेशेंस के साथ जो फंडामेंटल्स है उसमें वर्क करते जाना है शॉर्टकट्स नहीं अपनाने लिया तो दिस इज गुड सी द डायग्राम कितना अच्छा डायग्राम है और आपने ये पूरा अच्छे से हिमालय भी बताया तो दिस टेल्स दिस इज रियली गुड डायग्राम वर्क इज रियली नाइस दिस इज वेरी गुड इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्ट किया रिवर्स बताया और देखो कॉन्टेंट का तो ऐसा है जितना पढ़ेंगे उतना ही रिफाइनमेंट आएगा नॉलेज भी जितना पढ़ते हैं उतना ही आता है नॉलेज जितना शेयर करते हैं तो और तेजी से ग्रो होता है इसलिए आप आंसर लिखो शेयर करो दिस इज रियली गुड सारी रिवर्स हमने यहाँ पे पढ़ ली अब कुछ ही दिनों पे अपन ब्रह्मपुत्रा करते हैं उसको भी बहुत अच्छे से बनाना देन दिस 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 इज इज अर्चना सी सो गुड ऐसे बॉक्स में मैप बनाया है इंडस सिस्टम देन दिस इज इंडस चेनाब व्यास सतलज घगस सरस्वती और इस तरीके से आपने पूरा यहाँ पे सिस्टम बताया वेरी नाइस देन दिस इज सेकेंड वन In, uh, क्या है अपना बेसिक स्ट्रक्चर बैकग्राउंड क्या है लक्ष्मीकांत बुक इज इम्पोर्टेंट उसमें चैप्टर बहुत अच्छे से दिया है उसी को बस हमें नंबर लिखो वन टू थ्री फोर फाइव डॉट नहीं लगा रहे नंबर इंडस रिवर के बारे में बताया गुड अब शुरुआत में ही मैप होना चाहिए मैप यहाँ पर है दिस इज गुड सी दिस अप्रोच इज गुड सिंधुस सिंडस लेटिन मैप वर्क इज अगेन नीट एंड क्लीन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी सीधा वेराइटी बोरिंग नहीं लगता है कि एक फ्लो चार्ट हो गया फिर मैप आ गया फिर एक टेबुलेशन हो गया सतलज हो गया फिर डेटा आ गया नंबरिंग इंडस रिवर डॉल्फिन भी बता दिया ट्रीटी भी हॉलिस्टिक आंसर वेरी गुड प्रेजेंट डेवलपमेंट भी है फिर इम्पोर्टेंट डैम्स भी दिस इज रियली गुड वन ऑफ द बेस्ट आंसर दिस इज रियली नाइस तो ये सारे सबमिशन हैं इसी तरीके से करना है आज भी वीकेंड्स है तो ऑफ है कंसोलिडेट करना है अभी तक के जो भी आंसर्स लिखे सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ